पहली लाइन में नहीं बोलेंगे, दूसरी लाइन में जरूर बोलेंगे और जी लगा कर बोलेंगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्योंकि कहता है बिना अकल वाला करबला में दो शहजादों की जंग थी, हक के लिए जंग थी ना, शेर लिखा है सारे सुने सुने यजीद वली पे है जो तीर बचाए हुसैन अब वही बंदा हाथ उठाएगा जो मानता है कि हम पर
हम पर जितने भी कर्म है ना पंजेतन का कर्म है। बेशक बेशक बेशक। नहीं सारे हाथ ना उठाए, जो माने वही हाथ उठाए और बुलंद आवाज से बोलेगा या हुसैन हक हुसैन 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 हक हक 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 हुसैन 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 मुझे इस तरफ नहीं देखना, मुझे इस तरफ देखना, इस तरफ देखना, इस तरफ देखना, इस तरफ देखना, इस तरफ देखना। अगर एक निगाह हो जाएगी तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। अगर आप लोग भी यही सोच कर इस महफिल में आए होना कि अली के लाल आए हैं, अगर उसकी नजर पड़ गई हम पर, हम गुनहगार का बेड़ा सवर जाएगा। तो मेरे लिए नहीं कहना है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अभी नहीं अभी नहीं, आखिर में कहना, क्योंकि शायर ने लिखा है उन लोगों के लिए, लोगों के लिए जो अहले बैत के लिए दिल में बुक्स रखते हैं। हम तो सारे अहले बैत के वफादार हैं, वफादार हैं, वफादार हैं, वफादार हैं। तो वही बताना ना कब कितने वफादार है, कितनी आवाज से बोलेंगे सुभान अल्लाह। ठीक है, शायर फरमाते हैं, फरमाते हैं, अरे गो तुझ पे गुस्सा असर असर असर, अरे गो तुझ पे गुस्सा असर असर, हां तू मर सारा सारा कब्र में चल। चले चले साहब, मैंने तो मेरे बच्चों को भी सिखा दिया है, उठ के बैठते।